हेलो एवरीवन एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है गाइस झारखंड सीएचओ का ऑफिशियल uh, आंसर की आ चुका है जो कि जिसका एग्ज़ाम बाईस जून दो हज़ार बाईस को हुआ था एंड प्लीज़ जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए थे आप एक बार अपना आंसर ज़रूर से जरूर चेक करें एंड जितने भी uh, जैसे जैसे रिम्स के स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइस आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप एक बार ये वीडियो जरूर देखें ताकि आप एनालाइज कर पाइए कि किस तरह के आ, एक पेपर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं किस कितने लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सो आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल रहेगा ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं okay, so, टाक्योस्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर वेर ओपनिंग इज मेड थ्रू एन इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स ट्रेक्योस्टोमी एक शाल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें शरीर के किस हिस्से में चीरा लगाकर छेद बनाया जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पे है विंड पाइप नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरिस सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड फॉर्म दी आयरी सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड निम्न में से क्या बनाते हैं वास्कुलर कोट ऑफ एन आई करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड वन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुर्दे की बुनियादी संरचना संरचनात्मक और कार्यात्मक भाग है ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे है नेफ्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लोब्स आर देर इन ह्यूमन लिवर मानव के यकृत में कितने भाग होते हैं करेक्ट आंसर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दी ओक्यूलर ओक्यूलार पीसी निम्न में से किसको नियंत्रित करती है सोई so, करेक्ट है यहाँ पे आईबोल को नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज एज ए प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया में प्राथमिक दाग के रूप में किया जाता है करेक्ट आंसर है क्रिस्टल वॉयलेट नेक्स्ट क्वेश्चन काइलूरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय एडिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन टू दी यूरिन मूत्र में निम्नलिखित में से किसे मिश्रित करके वसलसिका में या काल्यूरिया का पता लगाया जा सकता है करेक्ट आंसर एसिटिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर सीन इन स्पायरल सेब। निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया स्पायरल आकार में दिख जाते हैं करेक्ट आंसर है ट्रेपोनिमा पैलिडम नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलोंग टू अल्फा हीमोलैटिक स्टेप्टोकोकाई ग्रुप निमालिखित में से काउंसर विकल्प अल्फाहीमोलैटिक स्टेप्टोकोकाई का एक प्रकार है करेक्ट आंसर स्टेप्टोकोकस निमोनिया नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रग इंड्यूस्ड जॉन्डिस लीडिंग टू इंट्रा हेपाइटिक ऑब्स्ट्राक्शन वेर लीवर फंक्शन इज फाउंड टू बी नॉर्मल इज कॉल्ड एज ड्रग प्रेरित पीलिया जो अंतः यकृत रुकावट के लिए जिम्मेदार है जहाँ यकृत फंक्शन सामान्य पाया जाता है को कहा जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पे है कोलिस जर्डिस नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रतिवृद्धि जो तब होती है जब एक शिशु किसी असमतल स्थिति में लेटा रहता है और अचानक तेज आवाज से उचे उत्तेजित हो जाता है जिसे शिशु के सिर में तेजी से या अचानक की गति होती है तो इसे कहा जाता है द रिफ्लेक्स विच अकर वेन वेन एन इन्फेंट इज लाइंग इन अ सुपाइन पोजिशन एंड इज स्टूमुलेटेड बाई ए सडन लाउड नॉइस दैट कॉज रैपिड और सडन मूवमेंट ऑफ द इन्फेंट्स हेड इज करेक्ट आंसर इज अ मोरो रिफ्लेक्स गाइस रिफ्लेक्स से क्वेश्चन तो दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अक्वाय प्रीनेटल डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ पारासाइट एंड इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हियरिंग डिसऑर्डर निम्नलिखित में से कौन जन्म पूर्व से उत्पादित दोष है जो परजीवी के संक्रमण के कारण होता है और यदि और यह संवेदी श्रावण विकार के सामान्य कारणों में से एक है करेक्ट आंसर यहाँ पे है टोक्सोप्लाज्मोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ बल्जिंग फॉन्टेनल निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बल्जिंग फोन्टनल का सबसे आम कारण है करेक्ट आंसर हाइड्रोसेफॉल्स इन्फेंट्स रिस्पॉन्स टू लाउड साउंड बाय एन इनवॉलेंट्री आई ब्लिंक एंड समटाइम्स अकम्पेंड बाय हेड जर्क इज नोन एज किसी तेज आवाज की प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए शिशु के द्वारा नायच्चित रूप से आंखों को झपकाना और कभी कभी सिर झटकाना कहलाता है ओरो प्लेब्रल रिफ्लेक्स करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट यहां पे है नेक्स्ट क्वेश्चन पी बी के फिफ्टी इज ए मोनो मोनोसिलेबिक वर्ड रिकॉग्निशन टेस्ट विच इज डेवलप्ड टू evaluate the स्पीच perceptions ऑफ चिल्ड्रन what डज pbk stand के स्टैंड फॉर or 50 के फि फाइव जीरो और फिफ्टी शब्द पहचान परीक्षण है जो बच्चों की वाक्य धारण के मूल्यांकन के लिए विकसित किया गया है पी बी के किसे दर्शाता है करेक्ट आंसर यहाँ पे है फोनेटिकली बैलेंस्ड किंडरगाचन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट वेक्टर बॉर्न डिजीज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेक्टर जनित रोग नहीं है करेक्ट आंसर है जा और कोलेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स विथ रिफरेंस टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गैर संचरी रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एन सी डी स्पेशली कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड ऑल काइंड ऑफ कैंसर्स अफेक्ट मेन मोर देन वुमेन एन सी विशेष रूप से हृदय रोग और सभी प्रकार के कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रभावित करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीनस ऑफ मॉस्क्रिटो विच इज ए वेक्टर फॉर डी एन ग्रुप ऑफ वायरस इज मच्छर का जीन जो वायरस के डी ई एन समूह के लिए एक वेक्टर है सो so, यहां पे करेक्ट आंसर है एडीज पिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन अक्यूट डायरियल इंफेक्शन कॉज्ड बाय इंजेशन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेशन बैक्टीरिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैक्टीरिया से दूषित भोजन या पानी के सेवन के कारण होने वाला एक संक्रमण है कोलेरा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बैक्टीरिया उद्योग में काम करने वाले एक मध्य आयु वर्ग के पुरुष को कब्ज की समस्या पेट दर्द और भूख नहीं लगने की शिकायत के साथ ओपीडी में सर्जरी के लिए लाया गया है उसके परिफल स्मेर, पेरीफेरल स्मेयर प्रशिक्षण में आर और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का बेसोफिलिक स्टिपलिंग प्रदर्शित हुआ है सबसे संभावित किस एंटी एटियोलॉजी एजेंट की ओर इशारा किया जा, गया है एमिडल एज Male working in a battery industry is presented to surgery OPD with history of constipation colic abdominal pain and loss of appetite his peripheral smear showed basophilic stippling of RBC and my and microcytic uh, hypochromic anemia the most likely etiological agent implicated would be correct answer is a lead next question विच ऑफ़ दी फॉलोइंग टर्म कैन बी रेफर टू एज अ डेफिशियंसी एक्सेस और इम्बै इम्बैलेंस इन ए पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट्स निम्नलिखित में से किस शब्द की को किसी व्यक्ति की ऊर्जा और या पोषक तत्वों की सेवन में कमी ज्यादाती या असंतुलन के रूप में जाना जा सकता है करेक्ट आंसर है माल न्यूट्रीशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन डन विद दी हेल्प ऑफ फेसियल एक्सप्रेशन बॉडी मूवमेंट एंड गेस्टर इज चेहरे के हाव भाव शरीर के चलन और अंगिक अभिनय की मदद से किया गया संवाद कहलाता है करेक्ट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड बाई परसिस्टेंट हाइपोमेनिक एंड डिप्रेसिव सिम्टम दैट आर नोट इंटेंस enough और not last long enough to qual qualify as hypomanic और depressive disorder निम्नलिखित में से कौन लगातार हाइपोमेनिक और ग्रस्तता लक्षणों में से परिभाषित होता है जो पर्याप्त तीव्र नहीं है या इन, इतने समय तक के लिए नहीं रहता कि उसकी पहचान हाइपोमेनिक या अवसाद औसादतः एपिसोड के रूप में की जा सके करेक्ट आंसर यहाँ पे है साइक्लोथामिक विकार और साइक्लोथामिक डिसऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग फॉलोइंग ऑप्शन इज दी रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन ए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विटामिन ई e? ओके okay, विटामिन ई e. का समृद्ध स्रोत है करेक्ट आंसर है वेजिटेबल ऑयल्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेन अ साइकैट्रिक नर्स आस्क द पेशेंट टू सो हिज टंग फॉर एग्जामिनेशन द पेशेंट स्टिक्स इट आउट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देन पुल इट बैक दिस एक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जब एक मनोचिकित्सक नर्स रोगी को जांच करने के लिए अपनी जीप दिखाने को कहती है तो रोगी उसे छोटी अवधि के लिए बाहर निकालता है और फिर उसे वापस खींच लेता है यह क्रिया किसका एक उदाहरण है करेक्ट आंसर यहाँ पे है एम्बिटेंडेंसी इच्छा की दैव वृद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कृत्रिम श्वासन शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जानी चाहिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्विकली रिमूव टोबैको आर्टिफिशियल डेंचर फ्रॉम दी विक्टिम्स माउथ नेक्स्ट क्वेश्चन पीपीई इज एनी टाइप ऑफ क्लोदिंग यूज टू प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ फ्रॉम एनी फिजिकल रेडियोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल बायोलॉजिकल मैकेनिकल और अदर थ्रिएटिन दर्क प्लेस पी पी ई स्टैंड फॉर पी पी ई एक प्रकार का वस्त्र है जिसका उपयोग स्वयं को कार्यस्थल पर किसी भी भौतिक रेडियोलॉजिक इलेक्ट्रिकल रासायनिक जैविक यांत्रिक या अन्य खतरे से बचाने के लिए किया जाता है पी पी ई का अर्थ है करेक्ट आंसर इज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बीमारी मूसों और चूहों की सूखी बीट मूत्र या लार से मनुष्यों में फैलती है पशु प्रयोगशाला कार्यकर्ता और संक्रामित इमारतों में काम करने वाले व्यक्तियों को इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है नीचे दिए गए विकल्पों में से बीमारी की पहचान करें दिस डिजीज इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम दी ड्राइड droppings urines or saliva of mice and rats animals laboratory workers and persons working in an infested building are at risk increased risk to this disease identify the disease from the options given below correct answer is a first one that is a hanta virus pulmonary uh, pulmonary syndrome okay option is a correct option a is a correct answer next question निम्नलिखित में से किस धातु को वाष्प के रूप में छोड़ा जाता है जिसे कम से कम त्रुटि के साथ और एकत्र एक किया जाना चाहिए जो कि आयस्क से सोने के निष्कासन के दौरान लोगों के गंभीर स्वास्थ्य मामलों का कारण बनता है विच अमंग दॉलोइंग मेटल्स इज रिलीज एज वेपर विच शुड बी कलेक्टेड एंड रिकवर्ड फेलिंग विच विल कॉज सीरियस हेल्थ इशूज़ टू इनहैबिटेंट्स ड्यूरिंग गोल्ड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए मर्क्यूरी नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक तापमान है जिसका उपयोग ऑटोक्लेब विधि द्वारा उपकरण को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है विच अमंग दॉलोविंग इज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज ट्रिस्टलाइज इक्विपमेंट बाई ऑटोक्लेब मेथड ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर दैट इज अ वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन चूज ऑप्शन करेक्ट ऑप्शंस इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केस अपियरिंग इन द स्टडी पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सेकेंड है प्री वैलेंस इंडिकेट द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस ऑफ द डिजीज ऑफ इंटरेस्ट इन अ पॉपुलेशन ओके सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन देख के इसको करेक्ट ऑप्शन चूज करेक्ट कर, वन को चूज़ करना था यहाँ पे है विच वन इज द करेक्ट सो यहाँ पे ऑप्शन डी दैट इज ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बोथ आर द ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन एपिडमोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ई से आया है जिसका अर्थ है द वर्ड एपिडीम्योलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ईपी मीनिंग करेक्ट आंसर ऑन और अपॉन ऑन मीनिंग का इसमें मतलब क्या होता है ओन और अपॉन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज अप्शन सी डायबिटीज नेक्स्ट क्वेश्चन एडीज एजेप्टिव मच्छर मुख्य वैक्टर है जो वायरस को प्रसारित करता है जिसे यह रोग होता है द एडीज एजेप्टिव मोस्किटो इज द मेन वैक्टर दैट ट्रांसमिट दायरस दैट कॉज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ब्रेक बोन फीवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस करेक्ट आंसर इज अ माइक्रोबैक्टीरियम एस पी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजर शुड बी टेकन फॉर हाइपोग्लासिमिक क्लाइंट हाइपोग्लासमिक क्लाइंट के लिए निम्न प्राथमिक चिकित्सा उप उपायों में से कौन सा उपाय करना चाहिए ऑप्शन डी प्रोवाइड स्वीट ड्रिंक्स नेक्स्ट क्वेश्चन द जनरल स्टेप टेकन बाय एनी एड आइडर टू हेल्प सम वन हु इज़ हैबिंग एनी टाइप ऑफ सीजर इज किसी भी प्रकार के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए किसी प्राथमिक उपचारकर्ता द्वारा उठाए गए सामान्य कदम हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है कंफर्ट द पर्सन एंड स्पीक कामली व्यक्ति को शांत करें और धीरे बोलें नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जल जल जाने की मामूली दुर्घटना से पीड़ित के लिए सही प्राथमिक उपचार उपाय है फ्रॉम दी ऑप्शन प्रीवियस बिलो प्रोवाइडेड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट फर्स्ट एड मेजर्स फॉर अ माइनर बर्न एक्सीडेंट विक्टिम ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर यूज कूल रनिंग वाटर ऐसे व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए जो भोजन से होने वाली बीमारी से पीड़ित है वट शुड बी गिवन टू पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम फूड फूडबॉन डिजीज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट शुड बी गिवन विथ ल्यूक्व वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी व्यक्ति की श्वास और नाड़ी रुक गई हो तो उस पर कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन तुरंत शुरू करना चाहिए जिसमें निमन में से कौन सी प्रक्रिया शामिल हैं इफ द क्लाइंट्स ब्रीदिंग एंड पल्स हैव स्टॉप्ड कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन मस्ट बी इनिशिएटेड इमीडिएट दैट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फील द ब्रीथ ऑन योर चिक फॉर टेन सेकेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यदि न, निगली हुई वस्तु के कारण किसी का दम घुट रहा है तो प्राथमिक उपचारकर्ता की त्वरित कार्रवाई क्या होगी इफ इज चोकिंग ऑन समोड ऑब्जेक्ट वट इज द क्विक एक्शन ऑफ अ फर्स्ट आइडर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परफॉर्म फाइव बैक ब्लोस नेक्स्ट क्वेश्चन मिसेस ए नाक के खून नाक से खून बहने से पीड़ित है नाक से खून बहने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पोजिशन उनके लिए उपयुक्त है ओके मिसेस ए इज सफरिंग फ्रॉम नोज ब्लीडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज अप्रोप्रिएट फॉर हर टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम नोज अब इनमें से जितने भी निम्नलिखित गिबन नीचे जितने चार ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर पूछा गया है ओके सो so, यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर सिटअप एंड लीन फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जेड की कलाई पर पट्टी लगने के बाद उनकी उंगलियाँ ठंडी होने लगी उनमें झुनझुनी होने लगी और उन्होंने दर्द की शिकायत की अब मिस्टर जेड के लिए प्राथमिकता में कौन सा कार्य करना होगा आफ्टर अप्लाइंग बैंडेज टू मिस्टर जेड रिस्ट हीज फिंगर्स बिकम कोल्ड टिंगलिंग एंड ही कंप्लेन ऑफ पेन वट इज द प्रा वट इज़ द प्रायोरिटी वर्क टू बी डन टू मिस्टर जेड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर लूजन द बैंडेज पट्टी को ढीला करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन रक्तचाप को रिकॉर्ड करते समय ध्वनि जिसे धमनी के ऊपर रखे स्टेथोस्कोप इस के माध्यम से सुने सुना जा सकता है वह क्या कहलाती है द रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर द साउंड विच कैन बी हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्ट्री इज टर्म्ड एज ऑप्शन डी दैट इज अ कोरोटोकॉफ नेक्स्ट क्वेश्चन जब हाथ को सिर के ऊपर रखा जाता है तो डायस्टोलिक रक्तचाप में 15 एम एम ऑफ एच की कमी होना इनमें से किसका सूचक है अ डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ फिफ्टीन एम एम ऑफ एच जी वन दी आम आम इज हेल्ड अबब दी हेड इज अ ऑप्शन डी दैट इज का साइंस इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए व्हीकल फॉर विटामिन ए डी ई एन के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए डी ई एन के के लिए एक संगवाह के रूप में कार्य करता है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज अ फैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी फार्मेसी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट डोमिसले सर्विसेज सामुदायिक फार्मास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डोमिसिलियरी सर्विसेज को दर्शाता है ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर फार्मासिस्ट प्रोवाइडिंग एन एडवाइसरी एज वेल एज सप्लाई सर्विसेज टू सर्विस टू रेसिडेंशियल होम्स फॉर द एल्डरली एंड अदर लॉन्ग टर्म पेशेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक अनुमानित श्रव्य दृश्य उत्पाद उपादान है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर स्लाइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू एच ओ के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न केवल शिशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति के सबसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतों में से एक है बल्कि पूरी आबादी और जिन सामाजिक आर्थिक स्थितियों में के तहत वे रहते हैं उनके भी एज पर डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस नॉट ओनली of infants but also the whole population and of the socio economic condition under which they live here correct answer is the infant mortality rate next question कौन मुख्य रूप से रोगी पर दवा के प्रभाव की निगरानी करता है और चिकित्सा में उचित परिवर्तन का आदेश देता है Who हो प्राइमरली मोनिटर दी इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑन द पेशेंट एंड ऑर्डर अप्रोप्रिएट चेंजेस इन दी थेरेपी करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन बी दैट इज़ अ डॉक्टर ओके गाइज आज हमने फिफ्टी क्वेश्चन देख लिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सो बाय एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं ओके थैंक यू